कोरोना महामारी के चलते कावड़ मेला स्थगित किए जाने के बाद उत्तराखंड के सभी बॉर्डरों पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं भगवानपुर के मंडावर बॉर्डर पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन की ओर से हरिद्वार से गंगा जल के टैंकरों की व्यवस्था बॉर्डर पर करा दी गई है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से कोविड महामारी के चलते इस साल भी पिछले साल की तरह कावड़ मेले को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही बॉर्डर पर भी अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। भगवानपुर के मंडावर बॉर्डर और काली नदी बॉर्डर पर जल लेने जा रहे कांवड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। शिव भक्तों के लिए शासन और प्रशासन की ओर से बॉर्डर पर ही हरिद्वार से गंगा जल के टैंकरों की व्यवस्था करवाई गई है और गंगा जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे ने बताया कि कांवड़ मेला रद्द होने के बाद उत्तराखंड के सभी बॉर्डरों पर यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए गंगा जल की व्यवस्था की गई है। साथ ही अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है जिससे किसी भी श्रद्धालु को परेशानियों का सामना न करना पड़े। और वहीं शिक्षा विभाग ने अब सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की कवायद शुरू कर दी है। अब निजी स्कूलों से बेहतर शिक्षा और बेहतर संसाधन सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेंगे और हाईटेक तकनीक से बच्चे गणित के कठिन प्रश्नों का उत्तर आसानी से सीख सकेंगे। साथ ही ऑडियो विजुअल हाईटेक तकनीक से नर्सरी के बच्चे और 12वीं तक के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। तो नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध होगी जो उत्तराखंड की सरकारी शिक्षा व्यवस्था के सुधार में होने वाला सराहनीय प्रयास है। गुणवत्ता परक शिक्षा अब सरकारी स्कूलों में भी मिल सकेगा और सरकारी स्कूलों के स्तर में सुधार जल्द ही देखने को मिलेगा। सरकार के डिजिटल शिक्षा के स्वरूप को फिलहाल काशीपुर के कुछ स्कूलों में शुरू कर दिया गया है जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी है। तो ये पहली डिजिटल मैथमेटिक्स लैब है जो नीति आयोग द्वारा प्रदत्त फंड से बनाई गई है। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चा, इसमें से एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है तो बच्चा उन्हीं चीज़ों के वीडियोस को देखेगा। यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स बच्चों के लिए अवेलेबल कराए गए हैं, मैथ किट जो कि बेसिक से लेकर कक्षा 1 से लेकर 12 तक की प्रत्येक कक्षा के लिए है ताकि बच्चे गणित को सरलता से सीख सकें। इस पूरी बिल्डिंग को, इस पूरे कमरे को इस थीम में बनाया गया है कि इसकी दीवारों से, इसके फर्श से और इसकी जो भी इसमें चित्रकारी की गई है, कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में गणित हो और ये एक समझ विकसित हो कि गणित को सीखना बहुत आसान है। और वहीं टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाला उत्तराखंड की वंदना कटारिया का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। हरिद्वार की वंदना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करो या मरो के मैच में एक के बाद एक 3 गोल कर टीम को जीत दिलाई। उनके इस प्रदर्शन के चलते भारत ने साउथ अफ्रीका की टीम को 4-3 से हराया। आज के प्रदर्शन से हरिद्वार के सभी खेल प्रेमी बहुत खुश हैं। आपको ये भी बता दें कि हरिद्वार में इनके पहले कोच कृष्णा कुमार थे जो हरिद्वार के जिला क्रीड़ा अधिकारी थे और हॉकी प्लेयर भी थे। उन्होंने ही वंदना को एथलेटिक्स से हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया था और वंदना कटारिया आज 242 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं। एसडीआरएफ की टीम ने जोशीमठ के रैणी गांव में एक बार फिर से अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया है। बता दें मॉनसून के दौरान अगर किसी भी तरह से जल स्तर बढ़ता है तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम पानी का स्तर खतरे के निशान तक पहुंचते ही सूचना सायरन के जरिए लोगों तक पहुंचा देंगे। इस अलर्ट सिस्टम से ऐसी स्थिति में नदी के आसपास के इलाकों को 5 से 7 मिनट में तुरंत खाली कराया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि पूर्व में तपोवन आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ की ओर से अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया था जिसके सकारात्मक परिणाम मिले थे। इसकी उपयोगिता को देखते हुए इन्हें स्थापित किया गया है। और वहीं मंगलौर में झबरेड़ा विधायक के कार्यक्रम में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। दरअसल नारसन विकास खंड में पूर्व आयोजित कार्यक्रम में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के चेक बांटे गए थे जिसके दौरान विधायक प्रमाण पत्र बांटने में व्यस्त रहे और वहीं इस दौरान किसी ने भी कोविड नियमों का पालन नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के चेक लेते वक्त कई लोग बिना मास्क के भी दिखाई दिए तो वहीं दूसरी ओर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी नहीं दिखाई दिए। उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। कि नियत अगर सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं, नियत अगर झूठी है तो बहाने हजार होते हैं।
कुछ विपक्ष के लोग जरूर इसमें कुछ ना कुछ आपत्ति करेंगे, क्योंकि पहले जो होता था सरकारों में वो चुपके चुपके होता था, आज पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है, सबके सामने 446 लोगों को पहली किस्त 60,000 रुपए दिए जा रहे हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ सबके सामने दिए जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की भी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार जो है ये काम कर रही है। हरिद्वार के वैक्सीन सेंटरों पर सामाजिक दूरी की अनदेखी की जा रही है। रोशनाबाद के नर्सिंग स्कूल में कोरोना वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें कि सरकार ने इन दिनों वैक्सीनेशन अभियान चलाया हुआ है, ऐसे में प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाई जाए, और वहीं हरिद्वार के कई सेंटरों पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग कोरोना संक्रमण के खतरे के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। थोड़ी ही देर में 6:58 पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।